रखिए, तिलक लगाना सबका जारी है। आप जो भी तिलक लगाएंगे उससे दूसरे फायदा उठाएंगे। आपका लगाया हुआ तिलक जब सायेदार हो जाएगा और उसके साये में जानवर परिंदे आराम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। लिहाजा तिलक लगाना सवाब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। जब किसी भी मंजर किंग सरमाया होते हैं तो उससे हमें बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ, अजायब घर, हरी सब्जियाँ वगैरह हासिल होती हैं। दरख्त से माहौल साफ सुथरा रहता है और मौसम खुशगवार रहता है। गर्मी की शदत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे शहर, मुल्क और गलियों में दरख्तों की बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम चरागाह की मुहिम पर तवज्जो दें तो हम बहुत जल्द दरख्तों की कमी पर काबू पा सकते हैं। हमें कुदरती माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कम से कम 2.5% जंगलात की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दरख्तों की बहुत कमी है। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त लगाना एक नेक काम है, लिहाजा दरख्त लगाइए। और नेक पौधे लगाने के लिए नहाय जरूरी है कि मुनासिब जगह का इंतखाब किया जाए। फिर पौधे लगाने के बाद उनको मुनासिब हद तक पानी देना जरूरी है। पौधों के लिए धूप, हवा और रोशनी भी नहाय जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कितनी शदीद गर्मी है कि लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, सुबह और शाम एक पल के लिए चैन नहीं मिल रहा। पर इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क से दरख्तों का काफी ज्यादा है वो खात्मा हो चुका है, जंगलात कट चुके हैं, आबो हवा बहुत ही शदीद है कि दिन और रात को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज मैटमैट्स अकेडमी में वहाँ यहाँ के टीचर्स ने नौशीन, शुमाइला, संदीप, यही सब बच्चों को साथ ले जाकर बाहर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया है और बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि देखो इस गर्मी के मौसम में हम दूसरों के लिए भी फायदा पहुंचा सकते हैं और अपने लिए भी फायदा पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इन्होंने आज शजरकारी की मुहिम का आगाज किया है। नन्हे बच्चे काम कर सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते। आइए इस मुहिम में हम सब शरीक हों, माइटी माइंड के साथ शरीक हों और आप जो भी एक पौधा लगाएंगे वो आपका एक सबका जारिया है। आज का छोटा पौधा कल बड़ा होगा और दूसरों के लिए मुझसे साफ मिलेगा। ये सोच के पौधा लगाइए कि ये एक सबका जारिया है और आपके लिए अजो सवाब का बाइस बना है।